जैसे कि आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ, वैसे भी बोल सकते हैं कि डज दिस लॉ फॉलोज एनी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, तो वहां से आपके पास हिंट आ जाता है। फिर आप एक्शन एंड रिएक्शन को भी साथ में एक्सप्लेन करोगे कि दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो बस आंसर को किस तरह से आपको अमेंड करना है वो आपको क्लियरली वहां पे नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था उसके ये फॉर्मूलाज थे। अगर आप यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर यूज करोगे, राइट। अगर यहाँ पे वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर होगा और फिर यहाँ पे स्क्वायर की पावर होगी, ठीक है। और अगर आप इसकी बजाय इसकी जगह पे आप वेक्टर, अगर यहाँ पे वेक्टर है यहाँ पे भी आप वेक्टर शो कर रहे हो तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। वाई, रीजन बीइंग कि यूनिट वेक्टर वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ओपन अप हो जाता है, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, तो और एक और चीज थी हमारे पास यहाँ पे जो हम लर्न कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो अगर आपके पास R12 है या R21 है, आपके पास अगर 21 लिखा हुआ है तो मैंने क्या लिखना है उसको, 12, है ना, ऑपोजिट लिखना है। और अगर अगर मेरे पास 12 है तो मैं उसको क्या लिखूंगी, 21, और अगर 21 है तो मैं उसको क्या लिखूंगी, 12, है ना, ऑपोजिट में आप यूज करोगे। तो कई बार कई टीचर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको ओपन करके लिखो तो सो दैट कि उनके लिए क्लियर हो जाए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने ये पूरी इसकी थ्योरी लिखी और साथ के साथ आप साथ में पहले इसको लिखोगे फिर आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि R2 - R1 क्या होगा, R12, गॉट इट, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई भी इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर है ना आप लोगों को? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोल रहा है आपके पास? हाँ जी, मैम, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्जेस। यस, वेक्टर सम ऑफ दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी चार्जेस। अच्छा इश्मित, आप बता दो एक बार फिर से। रोजदीप सिंह, आप बता दो एक बार। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि देखो हम लोग क्या करेंगे, हम जरूर डिस्कस किया करेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जल्दी आता है भाई आप लोगों को? ये तो किया अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्जेस, यही तो था हमारे पॉइंट पास, है। वेक्टर सम है हमारे पास ऑफ पॉइंट चार्जेस। यस, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्जेस, बस इतना सा ही तो बोलना है, ठीक है इश्मित एंड रोजदीप, यस मैम, है ना। तो फिर रोजदीप आप बोले क्यों नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप आंसर दोगे मुझे। चलो आज हम ऐसे करते हैं, अब आप लोगों ने ये देख लिया कि देखो ध्यान से सुनना कि हमने पैटर्न किस तरह से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको पैटर्न में क्या रीड करवाया, सबसे पहले हमने सिंपल चार्ज डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप चार्ज से रिलेटेड आपको टर्म्स एंड सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चार्ज के बाद हमने लॉ किया था, कूलम्स लॉ, है ना। कूलम्स लॉ में क्या किया, मैंने टू चार्जेस ले लिए थे, है ना। पहले मैंने सिंगल चार्ज डिस्कस किया, फिर मैंने टू चार्जेस डिस्कस किए, फिर उसके बाद मैंने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किया, है ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में क्या डिस्कस किया मैंने, नंबर ऑफ चार्जेस, है ना, नंबर ऑफ चार्जेस। अच्छा, तो एक लिया, फिर दो लिए, फिर दो या दो से ज्यादा लिए, है ना, हमने बहुत सारे चार्जेस कंसीडर कर लिए। इसका मतलब कि अब क्या हुआ, मैंने ये सारे चार्जेस कैसे थे, मतलब अगर मैं अलग अलग पॉइंट चार्जेस रखूँ तो इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलग अलग को? अरे आप 10th तक मैथ्स में भी तो बोलते हो ना कि डाटा जो आपको दिया हुआ है स्टैट्स में वो डिस्क्रीट डाटा है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, है ना, इज इट यस क्लियर। मैम, तो हमारे पास क्या था कि जो भी मैंने डिस्कशन की, आप चीज नोटिस करो कि पहले मैंने चार्ज रीड किया, फिर मैंने टू चार्जेस लिए, फिर मैंने नंबर ऑफ चार्जेस लिए, पर एक चीज नोटिस करो कि ये सब अलग अलग थे, कोई भी एक जैसा नहीं है। पर अगर मैं रियल लाइफ में चीजें नोटिस करूं तो अगर एक वायर में से करंट जा रहा है या फिर कोई भी चीज है तो वो कैसे बैठी हुई है, जैसे अगर मैं सिंपल वायर की ही बात करूं, है ना, अगर मैंने सिंपल वायर की बात की तो वायर कैसी है, ज्वाइंट है ना, ऐसे तो नहीं है वायर, ऐसी तो नहीं बनी हुई वायर, इसको हम वायर थोड़ी ना बोलेंगे, चाहे ये एक ही लाइन में है चाहे ये अलाइंड है, बट दिस इज व्हाट, डिस्क्रीट। और ये अगर एक साथ है तो मैं इसको क्या नाम दूंगी,
अगर ये वायर चार्ज्ड वायर है, सपोज करते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का ऑपोजिट क्या हुआ? कंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस है ना. अच्छा, तो फिर इसका मतलब कि आप लोगों के लिए डिस्क्रीट डाटा मतलब अलग अलग डाटा वो था इजी वाला, कि आप लोग इजीली उस चीज को समझ जाओ, है ना. अलग अलग आपको दो चीजें दी. अब देखो दो बच्चे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आराम से उनको बातें समझ आ रही है. अब 10 बच्चों को मैं बोलूं और 10 बच्चे अपनी अपनी बात कर रहे हैं तो किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आएगा. तो अब वही चीज होगी हमारे पास कि कॉन्टिन्यूस डाटा में अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा लेवल अप कर देंगे. पहले उन्होंने सिंगल डिस्कस किया, फिर उन्होंने टू डिस्कस किए, फिर उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस डिस्कस किए. अब वो चाहते हैं कि आप ऐसी चीजें डिस्कस करो जो कॉन्टिन्यूस, मतलब कि उनके ऊपर एक तरह का चार्ज हो, एक समान चार्ज हो, ठीक है. तो अब उसको भी आगे डिस्कस करने के लिए मैं फिर से दो तीन टर्म्स लेके आती हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे. अच्छा, आज तक आप लोगों के लिए डेंसिटी क्या होती थी? व्हाट इज डेंसिटी? है ना, डेंसिटी इज सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम. तो कभी भी हमने बचपन से हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं, कभी भी किसी ने ये क्वेश्चन अराइज नहीं किया कि व्हाई यू आर ओनली कंसीडरिंग वॉल्यूम हियर, व्हाई यू हैव टेकन वॉल्यूम, व्हाई नॉट सरफेस एरिया, व्हाई नॉट लेंथ. किसी ने भी पूछा कभी किसी टीचर से? नहीं, है ना, कोई भी नहीं पूछता. मैंने भी नहीं पूछा था अपने टाइम पे, है ना. तो फैक्टर क्यों? वाई, क्योंकि वॉल्यूम वो क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हम जब भी डेंसिटी की बात करते हैं तो 3D में बात करते हैं. अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको डेंसिटी थोड़ा क्लियरली समझ नहीं आता है कि डेंसिटी क्या होता है, तो मैं उनके लिए और भी इजी कर देती हूँ. देखो एक रूम है, ठीक है, 3D रूम लेते हैं हम लोग, है ना. डेंसिटी का मतलब होता है कि अब इस रूम में देखो मैंने यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 10, 12 पार्टिकल्स रख दिए. अब इस रूम की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब कि कितने लोगों को इस रूम में रख सकती है, वो उसकी डेंसिटी होगी. इज इट क्लियर विद एवरीवन? डेंसिटी टर्म का मतलब क्लियर हुआ फिजिक्स की टर्म से? ठीक है, कि कितने लोग उस रूम में आ सकते हैं. अब ऐसे होता है ना कि अब एक रूम में 5 ही लोग आ सकते हैं, अगर आप 10 ऐड कर दोगे तो इसका मतलब कि आपने उसकी डेंसिटी इंक्रीज करवा दी है. अब डेंसिटी इंक्रीज करवाने पे क्या क्या चीजें कम होंगी वो देखते हैं. वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, मास इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, है ना. तो अब इतना पता चल गया कि बचपन से जो हम लोगों को पढ़ाते आ रहे थे डेंसिटी, दैट वॉज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. अब उन्होंने मास अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे डिस्कस किया. वाई उन्होंने ये चीज डिस्कस की? क्योंकि हम 3D में बात कर रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम 3D में बात हो रही थी. क्योंकि जब भी आप लोगों को 10th, 6th, 7th में क्वेश्चन आते हैं तो वॉल्यूम के क्वेश्चन आते थे, तो वो हमेशा 3D पिक्चर होती थी, एक सिलेंडर, एक कोन, है ना. तो वो आप 3D में इमेजिन कर सकते थे कि हाँ कैसा होता है, पर कोई बता के नहीं जाता था कि हाँ क्यों हम इसको मास अपॉन वॉल्यूम ले रहे हैं. पर आज फिजिक्स की टर्म्स में क्या करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हम बिल्कुल ABC से पढ़ रहे हैं, है ना. तो ABC से अब हमने वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए, दैट मीन्स कि अब जो टर्म्स आएंगी ना वो अब हमारे अकॉर्डिंग आएगी. तो अब इस टर्म को या तो आप बोल दो कि डेंसिटी, मतलब चाहे इफ यू कॉल इट चार्ज डेंसिटी, अब ये है टॉपिक, दिस इज योर टॉपिक, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए चार्ज डेंसिटी. और आप लोगों को बुक में लिखा हुआ मिलेगा और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वन इन द सेम थिंग, चार्ज की डेंसिटी और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यही चीज बोलेंगे, ठीक है. अब चलते हैं कैसे कैसे होता है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक लाइन की, ठीक है. एक लाइन का मतलब है एक वायर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वायर ले लेती हूँ. वायर का मतलब क्या हुआ कि ये एक कॉन्टिन्यूस चार्ज है. अब देखो हम हर बार पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है. ऐसा कोई नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव ही ले रही हूँ. तो कोई बच्चा अगर यहाँ पे बोले तो नेगेटिव भी आप कंसीडर कर सकते हो, पूरे पे नेगेटिव चार्ज. पर कॉन्टिन्यूस है तो एक ही चार्ज रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना. कोई ऐसे बीच में उठ के ये ना बोल दे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना. फिर हमारे पास वो बॉडी एक इक्विलिब्रियम में सेट हो जाएगी, फिर वो हमारे पास चार्जेस वाली बॉडी नहीं रहेगी. इसे क्लियर? अब सबसे पहली जो हेडिंग है हमारे पास, दैट इज आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोलेंगे हम उसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आप बोल सकते हो, ठीक है. अब इसको सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं वो देखते हैं. इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से. किससे डिनोट करेंगे हम इससे? लैम्डा से.
अब क्या होगा कि अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम टॉपिक्स पे चलेंगे या न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, तो आपके पास ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरा रिश्ता सिर्फ लेंथ तक है। आप देखो इस लेंथ है, इसका कोई एरिया नहीं है, कोई इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा, है ना। और इसकी लेंथ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो इसकी लेंथ होगी, सपोज करते हैं एल लेट कर लेते हैं, तो इसका इसका मतलब लैम्डा आज से कितना होगा हमारे पास, ठीक है, इसको कितना बोलेंगे हम, क्यू चार्ज है इसके ऊपर डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका मतलब क्या बनी इसकी डेफिनेशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब कि अब जब भी मैं डेंसिटी की बात बोलूंगी ना, तो अब आप लोग ऐसे नहीं बोलोगे कि हाँ मैम ने डेंसिटी बोली है तो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप पूछोगे या फिर जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा होगा या फिर जो भी आपको कंडीशन दे रखी होगी उसको देखकर, जैसे मैं बोलूंगी अ रॉड अ वायर, है ना, अ सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक है, अ थिन, या ऐसे आप लोगों को बोल दिया जाएगा स्ट्रेच्ड वायर या कुछ भी, आप लोगों को इस लैंग्वेज में बात करी जाएगी न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में, तो वहां पे आपका ब्रेन वर्क करना चाहिए कि यस वी आर गोइंग टू यूज डेंसिटी, बट डेंसिटी विल बी हमारे पास क्या होगी। अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने वायर बोला है तो वो क्या होगी, लीनियर, है ना। अच्छा, तो अब एक और ट्विस्ट करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, सिंपल रिंग देंगे आपको, ठीक है, ये आएगा न्यूमेरिकल जो आपको चेंज करेगा। तो अगर मैं इस वायर को देखो, आप लोग नोटिस करो, अगर मैं इस वायर बंद कर दूं एक रिंग के अंदर, है ना, हॉलो रिंग, है ना, एक बंद रिंग, उसके अंदर अगर कन्वर्ट कर दूं तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा, तो ये रिंग बन सकती है ना। तो मतलब कि ये किसका, एक रिंग के ऊपर भी जब न्यूमेरिकल आएगा तब भी आप क्या यूज करोगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। क्लियर है ये सबको, इज इट क्लियर विद एवरीवन? में लेंथ मतलब चेंज होगी? अरे वो तो डिपेंडिंग, नो नो नो, अभी देखो अभी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही, अभी मैंने ना इंटीग्रेशन बीच में लेके आई हूँ, ना मैं डी क्यू, ना मैं छोटा सा चार्ज लेके आई हूँ, ना कुछ लेके आई हूँ, मैं सिंपल आपको जैसे डेंसिटी की डेफिनेशन होती है पहले मैं सिंपली वो लर्न करवा रही हूँ आपको, ठीक है, कि होती क्या क्या है टर्म्स, गॉट इट। हाँ लेंथ चेंज हो सकती है, ठीक है, हाँ, तो आप रिंग में सर्कल या जो भी आपके पास होगा तो आप यू आर गोइंग टू कंसिडर पेरीमीटर यहाँ पे, ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ पे लेंथ नहीं दे रखी होगी, आपको दे रखा होगा इमेजिन और भी, जैसे अभी यहाँ पे पलक ने पूछा तो पेरीमीटर आप यूज करोगे, जैसे उन्होंने दे दिया होगा रेडियस, है ना। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि हमें तो रेडियस दिया है पर मुझे तो डेंसिटी के लिए क्या चाहिए था, लेंथ, तो लेंथ क्या होगी इसकी पूरी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा, 2πr रेडियस गिवन है, आप वहां पे यूज करो, लेंथ की जगह पे आप 2πr लिख दो, गॉट इट, इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस यस मैम, ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अभी मैंने ना कुछ चेंज नहीं किया है, अभी ना बहुत सारी इसमें भी छोटी छोटी एडिशन होनी है, अब हम इससे फोर्स भी निकालेंगे, ठीक है। चलो मैं इसी के साथ ही आपको दे देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, फिर आपको इजी हो जाएगा। क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि आप ना फोर्स कैलकुलेट करो इस वायर की वजह से। देखो मैंने एक ऐसी वायर बना दी रैंडमली, कैसे भी बना सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट ही होनी चाहिए, कर्व भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वायर होनी चाहिए कॉन्टिन्यूस चार्जेस। उन्होंने बोला कि एक दूर कोई चार्ज पड़ा है पी पॉइंट पे, ठीक है, उसकी डिस्टेंस है यहाँ से आर, है ना, तो कहते हैं कि इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो बताओ। अब ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि ये पूरा एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक कंप्लीट चार्ज बॉडी है, इसका टोटल चार्ज नहीं दे रखा, ध्यान से सुनना, अब इसका टोटल चार्ज नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूंगी, अब जो फिजिक्स में हम लोग पूरी ट्वेल्थ में यूज क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करूंगी इसका। जब मैं इसका छोटा सा टुकड़ा लूंगी तो मैं उस छोटा सा पोर्शन, है ना, लेंथ टोटल एल हुई, तो छोटा सा पोर्शन कितना हो गया डीएल, ठीक है, जब मैं छोटा सा पोर्शन लूंगी डीएल, हम उसको क्या बोला करेंगे, लेंथ एलिमेंट, इज इट क्लियर? ये देखो ना मैं ऐसे एग्जांपल देती हूँ, ये पेन है, ये रहा मेरा चार्ज, ठीक है, ये पेन है और ये चार्ज है मेरे पास, इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, मुझे ये नहीं पता है कि इस पूरे पे कितना चार्ज है, ये मुझे इन्होंने दे नहीं रखा, पर इन्होंने मुझे उसकी डेंसिटी दे रखी है कि इसके पास कुछ डेंसिटी है, तो डेंसिटी की टर्म्स में आप आंसर देके आओगे, अभी देखना मैं कैसे देती हूँ। तो कहते कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर कितना असर होगा वो बताना, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये छोटा सा चार्ज है
अगर ये छोटी सी लेंथ है कंसीडर की हुई, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी छोटा सा होगा, तो उसका नाम भी मैं क्या रख दूं, डी क्यू, है ना। डी क्यू का मतलब क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल चार्ज। कैपिटल क्यू क्या था, टोटल चार्ज होगा। डी क्यू क्या हो गया अब मेरे पास, स्मॉल चार्ज, है ना। अच्छा तो अब देखना मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं फोर्स भी पहले छोट, क्योंकि मैं देखो एक कोई भी वायर है या कोई भी चीज है वो छोटे छोटे टुकड़ों से ही बनी हुई है ना। देखो कोई भी वायर है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है, छोटे 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 टुकड़े ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो हम इनको ज्वाइन करवा रहे हैं, पर अगर मैं देखूँ तो इसका ये पहले छोटा फर्स्ट पोर्शन है, ये छोटा सा नेक्स्ट पोर्शन है, छोटा सा नेक्स्ट पोर्शन है, तो ये डीएल 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 बहुत ज्यादा है। अगर आप नोटिस करो तो हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दो चीजें पढ़ी थी। डिफरेंशिएशन क्या बोलती थी कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना, और इंटीग्रेशन क्या बोलती थी कि छोटे से टुकड़े को बड़े में कन्वर्ट करना। तो व्हाट शुड आई बी यूजिंग, छोटे से हिस्से से मैं कैलकुलेट कर लूंगी, फिर उसके बाद में क्या कर दूंगी, उसके बाद में क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन, यस इंटीग्रेट करूंगी। अभी आप देखना, अब देखना मैं छोटे से टुकड़े की वजह से फोर्स निकालूंगी, तो फोर्स भी क्योंकि छोटे से टुकड़े की वजह से, तो डीएफ डीएफ विल बी 1/4πε0, राइट, क्यू नॉट। अच्छा इसका मुझे मुझे नहीं पता, इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, है ना, है ना। तो मेरे पास आंसर नहीं आया यहाँ पे डी क्यू, है ना। अब दूसरा चार्ज मुझे नहीं पता है कि कितना है उसके ऊपर, पर मुझे उसने क्या दे रखी है, उसकी लेंथ दे रखी है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डी क्यू लिख दे देती हूँ, पर उसने मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अभी आप देखना आर स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही हुआ ना, देखो कूलम्स लॉ लगाया है, 1/4πε0 चार्ज एक छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस। अभी आप देखना कि डी क्यू मुझे नहीं पता है, क्योंकि डी क्यू चार्ज मुझे नहीं पता है कि इसके ऊपर कितना है, पर उसने मुझे इतना बोला कि इसकी कुछ क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा इंटू क्यू एल, पर मुझे चार्ज निकालना है तो क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे चार्ज निकालना है तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, राइट, क्योंकि छोटे से टुकड़े के लिए था, तो लैम्डा क्या था, डी क्यू बाय डी एल। देखो फर्स्ट वाला जो अगर मैं करवा रही हूँ ना, तो इसको करने में थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, नेक्स्ट वाला आप खुद ब खुद आंसर दोगे। देखो 1/4πε0 क्यू नॉट लैम्डा इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर, राइट। अब कल को कोई उठकर आ जाता है आपके पास और वो क्या बोलता है कि मुझे तो पूरे के ऊपर फोर्स चाहिए, आपने तो मुझे छोटे से टुकड़े की वजह से फोर्स दी। तो हमने बोला ठीक है हम क्या करेंगे, हमें पूरे के ऊपर की फोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। अब डी एफ कितना था, उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/4πε0 क्यू नॉट लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर। अच्छा अभी आप देखो कोई भी इंटीग्रेशन में हम लोग क्या बोलते थे कि एक इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए, एक डी एक्स या डी एल या कोई भी ऐसी टर्म होनी चाहिए, इसका मतलब बाकी सारा सामान कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाय आर स्क्वायर सब कॉन्स्टेंट, लो इसके अंदर डी एल आ गया और दिस विल बी योर फाइनल फोर्स, ठीक है। अब इस चीज को, ये था ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा आया ना इसके टर्म्स में ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखना अभी आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेगा क्योंकि आपको फर्स्ट वाला हल्का हल्का समझ आ गया। अब करते हैं हम सेकंड वाला जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कुछ भी बोल लो, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर सरफेस की बात हो रही है, इसका मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, ये शीट, दिस शीट, है ना, प्लेन शीट, दिस विल बी द सरफेस एरिया। मतलब पहले उन्होंने 1D में बात की, फिर अब वो 2D में बात कर रहे हैं, अब वो 2D में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि उन्होंने यहाँ पे एक शीट रखी, राइट। अब शीट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो शीट के ऊपर चार्ज दे दिया हमने, तो आज से सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी उसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, किससे, अगर किसी को नहीं बोलना आता उसके लिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सिग्मा से, ठीक है। दिस विल बी चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब देखो आप लोग खुद देखो कि एग्जाम पर्पस के बेसिस पे ये किस तरह से आ रहा है हमारे पास, है ना। देखो आपको डेंसिटीज कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, क्या सोचा था और कैसी डेंसिटीज आ रही है अब,
अच्छी खासी पढ़ते थे हम चार्ज अपॉन वॉल्यूम, पर इन्होंने देखो क्या क्या दे दी, राइट। अच्छा अभी पीछे वाले के हमने यूनिट्स नहीं यहाँ पे मैंने बताए, यहीं पे मैं बता देती हूँ। देखो क्यू बाय एल है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कूलम ओवर मीटर, राइट। अच्छा अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, अगर ये है चार्ज अपॉन कूलम अपॉन मीटर एरिया, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, वेरी नाइस, कूलम ओवर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आ गया, अब फिर से वही वाला क्वेश्चन बोलता कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है छोटे से टुकड़े की वजह से, ठीक है। तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है हम निकाल लेते हैं छोटे से टुकड़े की वजह से, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे बना लेती हूँ डायग्राम सो देट आपको क्लियर है। अब ये था पूरी चार्ज शीट, पॉजिटिव 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 चार्ज की चार्ज शीट, देखना था कोई दूर क्यू नॉट चार्ज बैठा है उसकी वजह से, है ना। ओके तो टोटल सरफेस एरिया ए से डिनोट कर दिया है, कई टीचर्स कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने, ठीक है, देख लेना है कि एस है या ए है। अब क्योंकि मैंने क्या बोला छोटा सा टुकड़ा लूंगी, तो देखो मैंने इसका छोटा सा टुकड़ा लिया। अच्छा कैपिटल ए था बड़ा टुकड़ा का एरिया, छोटा ए क्या होगा, डी ए, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, डी क्यू, छोटा सा क्योंकि स्मॉल है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर, तो फिर से फोर्स निकालते हैं, छोटे की वजह से फोर्स कितनी होगी, डीएफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट इनटू डीक्यू बाय आर स्क्वायर। क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो आप लोग क्या बताओगे, सिग्मा इज इक्वल टू डीक्यू बाय डीए होगा, मुझे क्या चाहिए, डीक्यू की वैल्यू चाहिए, तो डीक्यू कितना होगा, सिग्मा इनटू डी ए। अच्छा एक और चीज करती हूँ मैं, ऐसे ना मेरे को ना एक्चुअली में आदत है, आगे चल के खराब हो जाएगी वो फिर, वरना सरफेस एरिया को ना मैं कैपिटल एस से डिनोट करूंगी, मतलब एस से डिनोट करूंगी, तो अगर ये सरफेस एरिया है तो डी एस छोटा एस है ना, एस से डिनोट करती हूँ मैं, क्योंकि आगे चल के आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है, तो इसका मतलब क्यू नॉट, तो डी क्यू की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, सिग्मा इनटू डी एस बाय आर स्क्वायर। अब उसने बोला कि नहीं मेरे को टोटल की वजह से बताओ, तो टोटल की वजह से इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, इंटीग्रेशन की 1/4πε0 क्यू नॉट सिग्मा बाय आर स्क्वायर सब बाहर, और यहाँ पे डीएस आके। अच्छा एक और आपके पास बहुत सुंदर सी चीज बताती हूँ, अपना कई टीचर्स ऐसे तो देख लेते हैं, कई और लेवल पे जब आप एग्जाम चेक करने आए होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि अगर लीनियर की वजह से है तो बच्चा एक इंटीग्रेशन का साइन लगाए, क्योंकि लैम्डा है तो एक इंटीग्रेशन, अगर सरफेस एरिया है तो क्योंकि यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो कहता है कि आप जब इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो आप डबल यूज करोगे, अगर वॉल्यूम है तो आप ट्रिपल यूज करोगे, इंटीग्रेशन करनी एक ही बार है बस साइन लगाना, ठीक है, इंटीग्रेशन करनी एक ही बार है पर साइन लगानी। अब क्या आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, विल यू बी एबल टू हेल्प मी इन डूइंग दिस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आप हेल्प करोगे मुझे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने में। देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली आपके पास सबसे पहले ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप यूनिट्स लिखोगे, ठीक है, फिर छोटे की वजह से क्या होती है वो डी क्यू बाई डी वी आ जाएगा यहाँ पे, फिर डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे और फिर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, करके बताओगे, कौन मुझे हेल्प करेगा, कोई एक वॉलंटियर जो साथ की साथ बोले, एनीवन, कुणाल, शैल आई कंसीडर यू, कोई एक मेरे को पहले ये बता दो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है लीनियर में, सरफेस में, वॉल्यूम में, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्लियर है सबको, यस मैम। तो चलो फिर मेरे को कौन वॉलंटियर करेगा, अगर ठीक है बॉयज में से नहीं कर रहे ठीक है, फिर गर्ल्स में से बता दो कोई, एनीवन, अरे लिखूंगी तो मैं ही ना, देखो गलत तो लिखूंगी नहीं मैं, आप लोग तो बस हेल्प करोगे मुझे, ठीक है, हाँ जी ये लो, हाँ जी, कौन वॉलंटियर करेगा मुझे, तन्वी, आई विल कंसीडर तन्वी नाउ, है ना, ठीक है तन्वी,
आप मुझे वॉल्यूम के लिए हेल्प करोगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे. इज इट ओके? तन्वी जी ठीक है आपके लिए? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. निशु, निशु को ले लेते हैं. अगर तन्वी की ऑडिबल नहीं है तो निशु को कंसीडर करते हैं. ठीक है निशु आ जाओ फिर. अब देखना जरा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा. जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आया तो इसका मतलब कि हम लोग बात करने वाले हैं आज 3D में. थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. अब 3D में बात करेंगे तो इसका मतलब कि मुझे एक क्यूब बनाना पड़ेगा, राइट. मैं एक क्यूब बनाऊंगी जिसके अंदर बहुत सारा ऐसे पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, या मतलब पॉजिटिव तो नहीं, मतलब हम चार्ज बोल देते हैं कि चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है. यूनिफॉर्मली चार्ज बैठा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल वैसे. अच्छा तो अगर फर्स्ट वाले को मैंने लैम्डा से डिनोट किया, सेकेंड वाले को सिग्मा से डिनोट किया, तो थर्ड वाले को मैं किससे डिनोट करूंगी? रो से, ठीक है. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, या डेंसिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय रो. तो ये तो क्या, क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं, वहां पे हम डेंसिटी जो होती थी, क्योंकि हम आदमी या इंसान या कोई भी बॉडीज को कंसीडर करते थे तो उनका मास होता था, ठीक है. तो हम वहां पे मास को कंसीडर करते थे, तो वो बेसिकली मास डेंसिटी होती है, जिसको अगर अच्छे से बोले हम तो वो मास डेंसिटी है. तो यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो आई एम कंसीडरिंग चार्ज डेंसिटी. तो दिस विल बी हमारे पास चार्ज ओवर वॉल्यूम, राइट. तो चार्ज ओवर वॉल्यूम, निशु आंजी, तो क्या आएगा? क्यू बाय वी. इज इट क्लियर? अच्छा तो अब देखते हैं, अब हम मेरे को निकालनी है यूनिट्स. पहले यूनिट्स निकाल लेते हैं. तो इसके यूनिट्स क्या होंगे मेरे पास? कूलम पर मीटर क्यूब. कूलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर क्यूब होते हैं हमारे पास. इज इट क्लियर? चलो अब आते हैं फोर्स ड्यू टू इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कितनी आई, तो वो बनाते हैं. मैंने क्यूब बनाया, ठीक है, एक क्यूब कंसीडर किया, ठीक है. और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, देखो, इसलिए मैं इसके अंदर चार्ज नहीं बना रही क्योंकि बहुत खचपच सी हो जाएगी. ऐसे ही छोटा सा मुझे फिर से, क्योंकि मैं छोटा सा टुकड़ा ले रही हूँ, तो इसलिए देखो मुझे छोटा सा क्यूब एक और बनाना पड़ेगा. वो छोटा सा जो क्यूब होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी डी क्यू, ठीक है. और जो उसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? डी वी, है ना. और दूर कोई पॉइंट है क्यू नॉट, उसकी वजह से मतलब इन दोनों के ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है वो मुझे कैलकुलेट करनी है. तो एफ, क्योंकि स्मॉल टुकड़े छोटे से टुकड़े की वजह से है, तो इसलिए डी एफ विल बी 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू डी क्यू ओवर इन दोनों के बीच में चार्ज इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यही है कूलम्स लॉ. अब उसने बोला टोटल फोर्स निकालो, तो टोटल फोर्स मतलब मैं तीन बार सिर्फ मैं बनाऊंगी इसको, आई एम ओनली मेकिंग इट. ए इंटीग्रल के साइन सिर्फ मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करूँ, आई विल इंटीग्रेट ओनली वंस, ठीक है. बस ये आपको दिखाने के लिए है कि टीचर को पता लग जाए कि हाँ अगर ऐसे नहीं, ये वाली चीज नहीं वहां पे हम शो करेंगे डायरेक्टली, तो उसको ये देख के पता लग जाए कि हाँ ये बच्चा ना पक्का से क्या कर रहा है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना. वैसे तो डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी. तो यहाँ पे डीएफ है और सारा एक्स्ट्रा हम बाहर निकाल देंगे. 1/4π कॉन्स्टेंट होता है, क्यू नॉट चार्ज नहीं बदल रहा टाइम के साथ, कॉन्स्टेंट है. डिस्टेंस नहीं बदल रहा टाइम के साथ, कॉन्स्टेंट है, ठीक है. अच्छा ओहो, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन तो की नहीं अभी, पहले सब्स्टिट्यूशन कर ले. 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू, अच्छा तो यस डी क्यू विल बी इज इक्वल टू रो इंटू डी वी. वो उधर चला गया, वो उधर चला गया, तो यहाँ पे आ गया रो डी वी बाय आर स्क्वायर. तो इसका मतलब रो भी बाहर आ गया और अंदर कितना रह गया? 3/dv. इज इट क्लियर? यस, है ना. कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इसका मतलब कि यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो. पूछो अनुभव, रोजदीप, कुणाल, अंश, बॉयज में से किसी को कोई प्रॉब्लम?
बताओ मेरे को, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो आप लोगों ने ना फिर से वही चीज कर दी कि हम लोग नहीं बताएंगे, हम नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के घर पे पीछे शोर भी है तो आई हैव नो इशू विद दैट। आप बस अपना आंसर दो। हाँ जी बताओ जल्दी मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, फिर जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ फिर आप सब शट डाउन हो जाते हो, फिर ये गलत बात है। हरमन सैनी, अच्छा ये देखो, अब ये जो हमने अभी किया ये उसका कंक्लूजन है। कहीं पे बना लो और इसको लर्न कर लो कि हमारे पास तीन तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आज के बाद जब भी डेंसिटी की बात होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर उन्होंने बोला होगा तो इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूअस, स्पेशली कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप तीन चीजें कंसीडर करोगे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर में आपके पास एग्जाम्पल आएगी वायर और रिंग, सरफेस में आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी शीट पेपर, है ना, कोई भी आपके पास चार्ज, वैसे तो चार्ज शीट ही आती है हमेशा। वॉल्यूम में आपके पास एग्जाम्पल आ जाएगी शेल, ठीक है, शेल नहीं सॉरी, क्या बोलते हैं, अर्थ जैसा कोई हमारे पास मास बॉडी, ठीक है, स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, ऑलराइट, क्यूब आपके पास आ गया, तो कोई भी चीज आ गई। तो देखो अगर तो लेंथ, देखो अगर तो रिंग हुई तो लेंथ आ गया पेरीमीटर उसका, सरफेस एरिया शीट का कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब वो डिपेंड करता है शीट कैसी है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो उसका सरफेस एरिया नीचे लिख देना। अब कल को अगर सॉलिड स्फीयर आ गया, क्यूब आ गया, तो क्यूब में आप नीचे क्या लिख दोगे, ए क्यूब, है ना, साइड का क्यूब। और अगर कोई स्फीयर आ गया तो आप क्या लिखोगे, 4/3 πr³, है ना, तो वो वाले फॉर्मूला लगा के आपने आंसर सब्सिट्यूट कर देने। ठीक है, ये इनके यूनिट्स है, कूलम ओवर मीटर, कूलम ओवर मीटर स्क्वायर, कूलम ओवर मीटर क्यूब। अगर आपको कल को कहीं नहीं समझ आ रहा ये चीज कि उन्होंने यूनिट किस चीज का दिया है, या किसी न्यूमेरिकल में वो ये बोल देते हैं गिवन दैट दिस इज द डेंसिटी, ना वो सरफेस लिखते हैं, ना वो वॉल्यूम लिखते हैं, ना वो लीनियर बोलते हैं, तो हमारे पास दूसरा हिंट बैठा हुआ है, पक्का से यूनिट तो देंगे ही देंगे, तो हम वहां पे यूनिट से चेक कर लेंगे। क्लियर है यहाँ पे सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है ना? तो चलो ये तीन हमारे पास, मतलब एक एक्स्ट्रा लगा लो पर आगे काम आने वाली चीज थी। ठीक है, ये थे। अब चलते हैं एक्चुअल जो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होता है उस पे। ठीक है, फर्स्ट अगर आप लेके चलो तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो खत्म हो गया है, फिनिश हो गया। ठीक है, अब आएंगे हम सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सेम वैसे ही है जैसे आपके पास ग्रेविटेशन में हमने रीड किया था, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक का यहाँ पे मतलब कि चार्ज की बात हो रही होगी, फील्ड मतलब खेत, तो वो क्या बोल रहे हैं कि चार्ज का खेत बताओ कि चार्ज कितनी हमारे पास चीज लेता है। तो इसका मतलब मैं ऐसे देख लेती हूँ कि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है ये। ठीक है, अब फील्ड बताना है, फील्ड का मतलब कि इसका इन्फ्लुएंस कितना होगा, कितना हमारे पास इफेक्ट करेगी, है ना, वो हम देखेंगे। तो इसका मतलब कि सपोज करते हैं ये इतना ही इफेक्ट कर रही है। अच्छा मैं देखो, अब आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं मेरे से पूछा कि आपने इफेक्ट तो बनाया, पर आपने ये जो इफेक्ट बनाया ये सर्कुलर क्यों बनाया? आप स्क्वायर बना सकते थे, आप रेक्टेंगल बना सकते थे, आपने सर्कुलर ही क्यों बनाया? एनीवन? मैम इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यस, जो भी इफेक्ट होगा हमारे पास उस चार्ज का वो इक्वल होगा हर डायरेक्शन में, और वो इक्वल हर डायरेक्शन में, तो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है कि रेडियस सेम रख के हम लोग, है ना, बना ले इफेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम डिनोट करते हैं उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ये क्या बोलता है कि कोई भी फोर्स एक्ट कर रही है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
मतलब वन एंड द सेम थिंग, इन दोनों को ई से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेसिक टर्म है कि ये इसका फील्ड हो गया, ये इसका खेत हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में फॉर्मूला वाली फिजिकल टर्म आती है जिसके ऊपर हम वेक्टर साइन लगाएंगे. देखो अगर इसके ऊपर वेक्टर है, क्यों आया, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड वॉट इज दिस, दिस इज अ टेस्ट चार्ज. अब करते हैं कैसे, ठीक है. ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है. अच्छा तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना. यहाँ पे क्या हुआ कि अब मैंने सपोज करो तुम लोगों को पढ़ाया, दो टॉपिक पढ़ाए, चार टॉपिक पढ़ाए, ठीक है, 10 टॉपिक पढ़ाए. अब मैं उन चीजों को टेस्ट करने के लिए मैं एक टेस्ट भी तो लेके आऊंगी ना आप लोगों को, कि आप लोगों को कितना आता है. एक टेस्ट लेते हैं, एक बात सुनते हैं. तो दैट इज वॉट टेस्ट चार्ज मीन्स. अब टेस्ट चार्ज क्या हुआ, वो बोलता कि मैं देखना चाहता हूँ कि बाहर से एक कोई ऐसा चार्ज है जो कि खुद का उस, याद रखना कई बच्चे आके बोलना शुरू हो जाते हैं कि टेस्ट चार्ज का क्या है, और कई टीचर्स स्मॉल क्यू से डिपेंड करते हैं टेस्ट चार्ज को, कई इसके आगे नॉट लगा देते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है. अगर आपने यहाँ पे छोटा क्यू ले रखा है तो आप इसको नॉट लगाओ, अगर आपने इसको कैपिटल क्यू ही कंसीडर कर रखा है तो फिर आप सिर्फ क्यू से ही डिनोट करो उसको, ठीक है. तो मेरे कोशिश रहेगी कि हमेशा दिस इज वॉट माई सोर्स चार्ज, बिकॉज इसने तो पैदा किया है, यही तो मेन है. तो सोर्स चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट कर लेंगे और टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट कर लेंगे, ठीक है. अब हम देखेंगे कि, अच्छा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना सिर्फ डिनोशंस में, कभी भी अगर आप लोगों को ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे ये क्यू लिया है और यहाँ पे ये क्यू है तो आप पूछ लेना, ठीक है. अब जैसे अभी पीछे वाले में, जैसे अभी हमने कितने सारे टॉपिक्स किए, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, ये सब जो मैं लेके आई हूँ, क्यू नॉट, ये बेसिकली क्या है, टेस्ट चार्ज है. और सोर्स बॉडी कौन सी थी, देखो यहाँ पे वायर थी, यहाँ पे हमारे पास शीट थी, और वहां पे हमारे पास क्या था, पीछे हमारे पास क्या था, क्यूब है ना, क्यूब कंसीडर किया हुआ था, ये हमारे पास सोर्स चार्ज थे. तो ये सोर्स थे और ये टेस्ट करने के लिए आया हुआ था, पर आप लोगों को नहीं पता था इसलिए हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया. अब तुम लोगों को पता लग गया है, तो अगर कल को कोई तुम्हारे से पूछता है तो तुम उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि यस ये हमारा सोर्स है और वो हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है. अब देखते हैं कि सोर्स चार्ज का ना, अब मैंने तो बोल दिया, अच्छा जैसे यही बात हो गई ना कि अब मेरा इन्फ्लुएंस होगा, सपोज करते हैं हम क्लासरूम में बैठे हैं, तो मेरा इन्फ्लुएंस होगा कि सिर्फ जो तुम 10 20 25 बच्चे बैठे हो, मेरा इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर है, जो मैंने पढ़ाया होगा तुमने वो लर्न कर लिया है ना. अब तुम्हें टेस्ट करने के लिए बाहर से कोई टीचर आता है तो दैट विल बी योर टेस्ट चार्ज. ऐसे ही बेचारे चार्ज के साथ हो, है ना, चार्ज ने तो अपना फील्ड बना के बैठ गया, पर ये जो टेस्ट चार्ज है इसका खुद का कोई वजूद नहीं है. खुद का वजूद का मतलब क्या हुआ कि खुद का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कि ऐसे ना हो कई बच्चे आके ये बोल देंगे कि मैम आप टेस्ट चार्ज तो बोल रहे हो, तो टेस्ट चार्ज एक चार्ज है तो वो भी तो अपना फील्ड लेके आएगा, वो छोटा सा फील्ड बड़े वाले फील्ड को डिस्टर्ब करेगा. तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्ट करने के लिए आता है इंडिविजुअल लेवल पे, उसका कोई वजूद नहीं है, वो किसी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, वो सिर्फ देखने आता है कि हमारे पास कितना इफेक्ट है, ठीक है. तो ऐसा हुआ कि टेस्ट चार्ज आके बैठ गया, ठीक है. टेस्ट चार्ज बैठ गया कहाँ पे, पी पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आया आर, राइट. दोनों सेम चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या बाहर की तरफ फोर्स. अच्छा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन ऑफ ई विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वेरी नाइस. अच्छा तो कौन मुझे यूनिट्स कौन बताएगा इसके, ई के फोर्स अपॉन चार्ज है, न्यूटन पर कूलम. वेरी गुड, इट इज न्यूटन पर कूलम. वेरी नाइस, ठीक है. तो अगर कोई भी क्वांटिटीज आपको नहीं समझ आ रही कौन सी है तो आप उसके यूनिट्स देखो और आपको पता लग जाएगा. तो अच्छा ये आ गया हमारे पास, तो देख लेते हैं. पहले मुझे फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो एफ फोर्स तो मुझे आती है 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना. अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, है ना. तो यहाँ पे ये वाली F की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं, इट विल बी 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू. अब स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, राइट. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बना वो कितना बना, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर. वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर. ये देखो कितना सुंदर है, कैप लगा देना उसके सर पे बस.
अच्छा तो आज एक चीज पता चल गई मेरे पास, मतलब मैंने आज तक दो फॉर्मूलास किए, एक किया मैंने फोर्स का, और फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलता है, क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर बाय आर कैप, है ना। फोर्स का फॉर्मूला बोलता है कि मैं डिपेंड करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है कि मैं सिर्फ किस पे डिपेंड करता हूँ, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज पे। इसका मतलब कि आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी फॉर्मूला आएगा तो यू आर गोइंग टू यूज ओनली वन क्यू, मतलब एक ही चार्ज होगा, बिकॉज इट इज ड्यू टू ओनली सिंगल चार्ज, है ना। और ये जो फोर्स होगी ये क्या होगी हमारे पास, ड्यू टू टू चार्जेस। तो ये जो मैंने अभी किया ये एक आपके पास फर्स्ट डेरिवेशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या आ गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ना फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, पेपर में आप लोगों ने, एग्जाम में आप लोगों ने कैसे लिखना है ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँ। वहां पे आप बोलोगे कंसीडर अ पॉइंट चार्ज या कंसीडर अ सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है, प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है। दी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज विल बी इन दी सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, या फिर इन द स्फेरिकल फॉर्म आप बता सकते हो 3D में, ठीक है। सो आप बोलोगे वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज। पहली लाइन आपने कंसीडर वाली लिखनी है, दूसरी लाइन हमेशा, फर्स्ट लाइन हमेशा आप लिखोगे थ्योरी में कंसीडर की आपने क्या लिया सबसे पहले, सेकेंड लाइन में आप उनको बताओगे कि वी वॉन्ट टू फाइंड, पैराग्राफ में, ठीक है, यहाँ तो मैं आपको पॉइंट्स लिख रही हूँ, वहां पे आपने पैराग्राफ में लिखना है। तो आप सेकेंड लाइन में क्या लिखोगे, वी वॉन्ट टू फाइंड, जो भी क्वेश्चन की हेडिंग होगी वो आपकी सेकेंड लाइन होगी कि वी वॉन्ट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। फिर थर्ड लाइन में आप क्या, आपने क्या किया उस इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, आपने क्या किया, तो मैं बोलूंगी वी ब्रिंग दी टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, है ना। तो हमने क्या कंसीडर किया उस पे, छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू लेके आए, वी ब्रिंग दी टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू, राइट। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडीज विल बी, तो आप फोर्स बता दोगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो आप डेफिनेशन से बता दोगे, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, फिर यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दोगे और ये लिख दोगे, फिर इन द एंड उसके यूनिट्स लिख दोगे। डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहते हो, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला ये तो अब आप लोग फाइंड आउट करोगे फटाफट से। वेरी गुड, फोर्स अपॉन चार्ज है, जल्दी इजिएस्ट, व्हाट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला मैम, m1 l1 t-3a। ओके देख लेते हैं अभी, तो हमारे पास कितना है, m1 l1 t-2 फोर्स का, और चार्ज का मैं भूल गई, चार्ज का क्या था मैम, एट बाकी लोग, बाकी लोग कहाँ है भाई, है ना। अच्छा तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, m1 l1 t-3 a-1 a-1, इज इट क्लियर। यस मैम। देखो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है 12th क्लास में, इतना याद रखना, बस टर्म्स आपको बिल्कुल न्यू है। क्लियर हुआ सबको यहाँ पे, यस मैम, एनीवन। अच्छा तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर क्वांटिटी हुई मैम, स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसने आंसर दिया अभी, पलक ने। अच्छा एनीवन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। अच्छा चंद्रप्रीत ने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी, कहाँ से पता चला आपको कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी वेक्टर साइन डाला था, यूनिट वेक्टर भी लगा हुआ है सर। अच्छा यूनिट वेक्टर भी लगा हुआ है, मैंने वेक्टर का साइन भी दिया, मैंने यहाँ पे क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस मुझे यही देखना था कि क्या आप लोग वही चीज रिपीट कर रहे हो जो आपने 11th में की, और आप सब वही चीज कर रहे हो। मेरे को बता दो कि कौन कौन सी टर्म्स आपको डिफिकल्ट लग रही है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, मैं दोबारा से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाऊंगी, मैं दोबारा से सरफेस डेंसिटी सिखाऊंगी,
पर अगर आप 6-6 लेक्चर इकट्ठे लगाओगे और एक ही सब्जेक्ट के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ, फिक्स वन टीचर एंड अपना करना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे को कंसीडर करो या किसी और को कंसीडर करो या कहीं और करो, एक टीचर को कंसीडर करो और काम करना स्टार्ट करो, बिकॉज आप लोग अटेंटिव नहीं हो। अभी देख लो मैंने कितनी अच्छे से यहाँ पे लिखा भी है डायरेक्शन, मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया, यहाँ पे मैंने एरो मार्क करके बोला भी कि ये बाहर की तरफ है, स्टिल यू गाइस स्टक ना, तो व्हाट इज दिस, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। और मैंने बोला भी है कि देखो 12th क्लास 11th क्लास से इजी है बट लेंथी है, इजी है बट बहुत सारी नई टर्म्स है, ठीक है ना, तो वो आप लोगों को तभी आएगी जब आप लोगों को क्वेश्चंस आते होंगे, है ना। तो आप फटाफट से मुझे एक न्यूमेरिकल करके दो, लेट्स सी कितने लोग करते हैं। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने ये? यस नोट डाउन कर लिया, ओके अच्छा चलो ठीक है। फिर अब ऐसे करो, कैलकुलेट कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड, आज से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा करूंगी मैं, ठीक है, ई डॉट एफ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा इट इज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात होगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और अच्छा कई टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि कैलकुलेट दी इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आप लोग सोचने में बैठ जाते हो कि अरे ये कौन सी इंटेंसिटी इन्होंने पूछ ली, तो एक ही बात है पूरे चैप्टर में, एक ही चीज है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इफ दे हैव आस्क्ड यू ओनली इंटेंसिटी, दैट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात हो रही है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 20 पिको कूलम चार्ज हैविंग डिस्टेंस या फिर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। चलो करो कैलकुलेट, लेट मी सी कि आप कैसे करते हो। मैम 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा हाँ जी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कितनी आई आपके पास मैम 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा तो पहले ठीक है, अभी देख लेते हैं, मेरे पास आंसर तो है नहीं बिकॉज मैंने अभी बनाया। तो पहले तो आप लोगों को ये क्लियर करूं कि यहाँ पे चार्ज है आपके पास, दैट इज 20 पीको कूलम, राइट। तो पीको का मतलब होता है आपके पास 10⁻¹¹ यस माइनस 12 कूलम, ओके। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था, ध्यान देना, ठीक है। तो चार्ज हो गया हमारे पास 10⁻¹¹ कूलम, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात की है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ आपके पास 20 × अच्छा तो देखो ये मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं, हमारे पास यूनिट क्या है एसआई मीटर है, तो ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सेंटी का मतलब -2 मीटर, ठीक है, गॉट इट, 20 × 10⁻²⁻¹ मीटर। तो इसका मतलब कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4πε₀ क्यू बाय आर स्क्वायर, सारा कुछ हमें गिवन है। 1/4πε₀ की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन। वेरी नाइस, यूनिट्स यूनिट्स नहीं बोलने अभी, यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तब नहीं आपने बोलने, बट इट इज वेरी गुड कि आपने लर्न किया है यूनिट्स, ठीक है। बाकी लोग भी देखो यार, आप लोग तभी अप्रिशिएट करूंगी मैं यहाँ पे। अच्छा तो चार्ज की बात है 20 × 10⁻²⁻¹, ठीक है, राइट, ओके चंदन प्रीत। अब यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू लिखो 20 × 10⁻²⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही डन करते हैं हम।
ठीक है, और यूनिट्स लगा देना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। ओके किसी को प्रॉब्लम शेयर कर देना। हाँ जी हाँ, वो तो मैं कर दूंगी आज। ठीक है फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फील्ड लाइंस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ के आना अच्छे से। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।